एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अमाडो रहता है वो काशिन कोजी के सामने आ जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें ज़्यादा वक्त के लिए तो नहीं रोका। फिर तभी काशिन कोजी रहता है वो बोलता है नहीं और उसे पूछता है क्या तुमने अपने सामान ले लिए। फिर तभी अमाडो बोलता है हाँ और जैसे ही अमाडो से पूछता है जल्दी करो हमें जाना पड़ेगा। फिर तभी काशिन कोजी एक स्टीम टोर्च समन कर लेता है। फिर तभी अमाडो जैसे ही जाने वाला रहता है कि तभी वहाँ पर डेल्टा आ जाती है। फिर तभी हमारा ओपनिंग सॉन्ग चालू होता है। A few moments later, ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद हम देखते हैं जो डेल्टा रहती है वो उन दोनों को बोलती है तुम जीगन के परमिशन के बिना कहीं पे नहीं जा सकते। फिर जो काशिन कोजी रहता है वो अपने हैंड साइंस बनाता है और अमाडो से बोलता है आई होप कि तुम इसे मना नहीं करोगे और वो डेल्टा को वहीं पे गिरा देता है। और फिर तभी जो अमाडो रहता है वो उस स्टीम टोड में बैठ के डायरेक्ट लीफ विलेज में आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पे आता है वो बोलता है यहाँ की हवा बहुत ही ठंडी है। और हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें जो काशिन कोजी रहता है वो बोलता है इसने मुझे बिल्कुल इसी के लिए प्रोग्राम किया है और वो वहाँ पे डेल्टा को ही देख रहा रहता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें यहाँ पे जो टीम 10 रहती है वो ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं और उनके साथ काजामात्सुतोरी सेंसेई भी रहती है। और यहाँ पे जो चोचो रहती है वो अपने पैरेलल एक्सपेंशन जुत्सु के साथ ज़्यादा बड़ी होके उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं और वो लोग एकदम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें यहाँ पे जो अमाडो रहता है वो एक ट्री के सामने आके उन तीनों को बोलता है ओ इनो शिकाचो बहुत ही अच्छा लगा तुम तीनों को देखकर। फिर तभी शिकाड़ा उसे देखकर बहुत ही चौंक जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और वो जैसे आगे बढ़ रहा रहता है शिकाड़ा उसे पूछता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। फिर तभी शिकाड़ा उसे अपने शैडो पैरलिस जुत्सु में पकड़ लेता है बट जो अमाडो रहता है वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल से उसका शैडो पैरलिस जुत्सु तोड़ देता है। फिर तभी वो जैसे आगे बढ़ता है वो एक और साइंटिफिक निंजा टूल से शिकाड़ा को बेहोश कर लेता है और उसके गले में एक ट्रैप लगा देता है यानी कि बॉम्ब लगा देता है। फिर तभी जो इनोजिन रहता है वो अपनी मॉम को यानी कि इनो को जल्दी से इन्फॉर्म कर लेता है इस सारे इंसिडेंट के बारे में। फिर तभी वो उनसे पूछता है तुम जल्दी से शिकामारु को होल्ड पे ले लो और इन सब के बारे में बता दो। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं यहाँ पे होकागे के ऑफिस में यहाँ पे एक साइंटिफिक टूल के बारे में मीटिंग चालू रहती है। फिर तभी यहाँ पे जो शिकामारु रहता है उसको अचानक से इनो का कॉल आ जाता है और वो शिकामारु उससे बात करता है। जो इनो रहती है वो शिकामारु को बोलते है तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। फिर तभी शिकामारु बोलता है हाँ बोलो। फिर तभी इनो बोलती है जो एक बंदा है उसने शिकाड़ाई के गले में एक बॉम्ब ट्रैप कर लिया है और वो बहुत ही खतरे में है। फिर तभी शिकामारु इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं यहाँ पे जो अमाडो रहता है वो शिकाड़ा को पकड़ के बैठ रहा रहता है। फिर तभी वहाँ पे सेंसे आ जाती है और उसको बोलती है जल्दी से शिकाड़ा को छोड़ दो। और यहाँ पे जो काजुरोमी सेंसे रहती है वो उसके ऊपर अर्थ स्टाइल का जुत्सु यूज करके उसे पकड़ लेती है। फिर तभी वहाँ पे इनो के पापा यानी कि साई आ जाते हैं। फिर अमाडो बोलता है मेरी बात सुनो मुझे शिकामारु से जल्दी से बात करनी है। और वो बोलता है कि मुझे होकागे और शिकामारु से जल्दी बात करनी है नहीं तो तुम्हें अनजान पता ही होगा। और वो पीछे लगे हुए बॉम्ब को उनको एक्सपेरिमेंट दिखा देता है जिसके कारण वो सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो साई रहता है वो उससे आगे बात करने के लिए जाता है। फिर तभी अमाडो बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गए। और वो उसे बोलता है मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे मिस्टर शिकामारु से कुछ तो बात करनी है और नाना दाई में यानी कि लॉर्ड सेवन से भी बात करनी है। फिर तभी साई उसकी बात को एग्री करते हुए मतलब नरुटो की परमिशन लेकर उसे हाँ करता है। और फिर तभी जो अमाडो रहता है वो बोलता है अगर मुझे तुमसे बात करनी है मैं तुम सबको सच बता दूंगा कारा के बारे में टेंटल्स के बारे में और सारे आउटसुकीज के बारे में। फिर तभी ये बात सुन के नरुटो इस बात को एग्री कर लेता है। और हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें अमाडो जो रहता है वो लीफ विलेज में आ जाता है। फिर तभी वो लोग अमाडो को एक चेंबर में बुला लेते हैं। उस चेंबर में अमाडो शिकामारु और नरुटो रहते हैं। फिर तभी शिकामारु जो रहता है वो अमाडो से पूछताछ करता है बट अमाडो बोलता है ज़रा शांत रहो मुझे एक कॉफ़ी मिली तो अच्छा होगा। फिर तभी यहाँ पे जो शिकामारु रहता है वो बोलता है तुम्हारा नसीब अच्छा है तुम्हें यहाँ पे बैठने को लिए बुलाया है। गाइस स्वैग देख रहे हो बंदे का इतने सिक्योरिटी में वो उन लोगों को कॉफ़ी मांग रहा है। गांड फटे तो फटे नबाबी ना घटे। फिर तभी शिकामारु बोलता है मेरे पेशेंस का इंतहा मत लो नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा और वो उसे कॉलर पकड़ के उसे मार रहा रहता है। फिर तभी यहाँ पे नरुटो बोलता है शांत हो जाओ और वो अमाडो को बोलता है मेरे भी पेशेंस मत चेक करो अमाडो। फिर तभी अमाडो उनको बोलता है हम कारा के बारे में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन जानते हैं और मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। और वो नरुटो को
थोड़े डिटेल्स दे लेता है, दे देता है और वो बताता है रुको मैं तुम लोगों को एक लाइव प्रूफ दे देता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अमर रहता है वो अपना आई ग्लास निकालता है, मतलब जो ग्लास रहता है वो निकालता है और वो नरुतो को देता है, और वो वहाँ पे प्रोजेक्टर पे एक क्या बोलते हैं फाइल दिखाता है जिसमें जो काशिन कोची रहता है वो जिगेन से बात कर रहा रहता है। फिर तभी जो नरुतो रहता है वो बोलता है ये क्या लाइव है, और फिर तभी वो ऐसे बात कर रहे रहते हैं। फिर तभी अमर बोलता है हाँ ये लाइव है। फिर तभी उस प्रोजेक्टर में हम देखते हैं जो काशिन कोची रहता है वो जिगेन के सामने आ जाता है। फिर तभी जिगेन उससे पूछता है चुपचाप मुझे सब कुछ सच बताओ, तुम्हारा मिशन क्या है और तुम क्या कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर तभी काशिन कोची उसके ऊपर अपने कुनाइज और शुरिकेन्स फेंकता है, बट वो वहाँ से डॉज हो जाता है और काशिन कोची और उसकी फाइट वहाँ पे चालू होती है। फिर तभी जो जिगेन रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वो उसे पूछता है क्या हुआ मुझे सच सच बता दो। फिर तभी यहाँ पे हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें जो काशिन कोची रहता है वो बोलता है मुझे इसलिए बनाया गया ताकि मैं तुमको मार सकूँ। फिर तभी हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ड्रॉप कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से हमें 700 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।